हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर पीएच ऑन वीडियो। मेरा नाम है आशुतोष। इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, आई सजेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम हर वीक फ्रेश वीडियोस लेकर आते हैं। विद दैट सेड, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक ऑफ द डे। मैं इस वीडियो को बनाने के बारे में काफ़ी दिन से सोच रहा था, अगर इंडिया और पाकिस्तान फिर से एक कंट्री बन जाएँ तो कैसा होगा। अब आपके दिमाग में भी ऐसे बहुत से सवाल आएंगे कि अगर ये रीयूनियन पॉसिबल हुआ तो क्या होगा। वेल, हमें 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे। आप भी अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आंसर्स जानना ज़रूरी हैं। पहला, इस न्यू कंट्री का क्या नाम होगा। दूसरा, इस कंट्री का साइज और पॉपुलेशन क्या होगा। थर्ड, कितनी स्ट्रांग होगी ये कंट्री। फोर्थ, इस कंट्री का GDP क्या होगा। और फिफ्थ, इस कंट्री का कैपिटल कहाँ और क्या होगा। गाइज, ये जानना ज़रूरी है कि बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश को इंडिया ने 1971 वॉर में पाकिस्तान को हराकर आज़ाद कराया था। पार्टीशन से पहले कंट्री का नाम इंडिया ही था, तो नेचुरली इस नई कंट्री का नाम भी इंडिया ही रहेगा। बात करें अगर इसके साइज और पॉपुलेशन की, तो इस नई कंट्री का टोटल एरिया होगा 4.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन होगी, जो कि चाइना की पॉपुलेशन को काफ़ी पीछे छोड़ देगी। इस नई कंट्री में टोटल 48 स्टेट्स होंगी। ऑल्दो पाकिस्तान और बांग्लादेश में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, बट अगर उन्हें स्टेट्स कंसिडर करें तो टोटल 48 स्टेट्स होंगी। एरिया के हिसाब से बात करें तो रशिया, कैनेडा, US, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री होगी, जो कि वो ऑलरेडी भी है। मिलिट्री पावर की बात करें तो इंडिया की टोटल आर्मी स्ट्रेंथ बढ़कर 23 लाख हो जाएगी, जिससे ये दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगी। इंडिया के पास टोटल 250 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे, जिसमें से 130 पाकिस्तान से आएंगे और 120 इंडिया से। करंटली बांग्लादेश भी एक न्यूक्लियर स्टेट बनने की तैयारी कर रहा है, पर उसके पास अभी न्यूक्लियर वॉरहेड्स अवेलेबल नहीं है। इंडिया के पास 6,542 वॉर टैंक्स और 1,931 फाइटर जेट्स भी होंगे। ये सब इंडिया को अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बना देंगे। GDP की बात करें तो इतनी बड़ी कंट्री की GDP भी बहुत ज़्यादा होगी। GDP क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसका मतलब है कि सब चीज़ों और सर्विसेज की वैल्यू को टोटल करना फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इस नई कंट्री की GDP 2.3 लाख करोड़ डॉलर्स होगी, और प्लीज़ जीरोज गिनने की कोशिश भी मत कीजिएगा। क्योंकि इंडिया इन तीनों में सबसे पावरफुल कंट्री है, तो जाहिर है इस नई कंट्री का कैपिटल भी न्यू दिल्ली ही रहेगा। गाइस, कुछ ऐसा दिखेगा रीयूनाइटेड इंडिया का मैप। हमने ये वीडियो सिर्फ इंटरेस्टिंग नंबर्स और डिटेल्स शेयर करने के लिए नहीं बनाया था। ये जानना ज़रूरी है कि इस पार्टीशन के चलते 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अगर पार्टीशन नहीं होता तो हमें कभी भी ऐसी पिक्चर्स देखनी नहीं पड़ती। पॉसिबल नहीं है कि हम पास में जाकर सब कुछ ठीक कर पाएँ, बट इन प्रेजेंट इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में अमन और शांति के लिए प्रे ज़रूर कर सकते हैं। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने थॉट्स और वीडियो आइडियाज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ऑन दैट नोट, थैंक्स फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू वॉच दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।